भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ड्रिंक पिया जाता है? एक बच्चा भी बता देगा, वो है चाय। जो सोच रहे थे वो नहीं, चाय। और दूसरे नंबर पे आता है कॉफी। लेकिन क्या आपको पता है चाय के साथ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्या है? इसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है। पानी गर्म करिए, चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, फिर उसको खौलाइए, फिर दूध डालिए, तब जाके उसको छान के पीजिए, और उसको धोने में भी बड़ा दिक्कत होती है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हम सब आप लोग फेस करते हैं। इसके अलावा चाय का जो टेस्ट है वो पर डे सेम ही टेस्ट मिलता है। वहीं अगर बात करें ऑफिसेस में, तो ऑफिस में चाय बनाना भी अपने आप में टिपिकल चीज़ है, क्योंकि उसके लिए एक स्टाफ रखिए, बर्तन धोने का टेंशन, मतलब समस्या है नॉर्मल चाय पीने के लिए। इसी प्रॉब्लम का सलूशन मार्केट में लेकर आया है, उसका नाम है जिंगी सिप। ये बेसिकली एक फ्लेवर टी एंड कॉफी का ब्रांड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें आइस टी, ग्रीन टी, लस्सी, मिल्क शेक वगैरह भी इसमें मिलता है। और अच्छी बात यह है कि ये 100% नेचुरल है। फसाई का अप्रूवल तक मिला है, किसी भी टाइप का कोई केमिकल ये लोग यूज नहीं करते हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि जिंगी सिप के फ्लेवर टी को बनाने के महज 10 से 15 सेकेंड लगता है। इनफैक्ट एक 10 साल का बच्चा भी उसको आसानी से बना सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई है, जो कि इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूं जिंगी सिप ब्रांड के बारे में और इनके प्रोडक्ट के बारे में। तो नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति सिरलामदपना और बिजनेस कोच एंड राइटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंगी सिप। जिंगी का मतलब क्या होता है? ZINGY, इसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, और सिप माने पीना। एक नज़र डालते हैं जिंगी सिप के प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टी यानी चाय। चाय में 30 वेरिएंट है, एग्जांपल के तौर पे एलमोंड हो गया, एप्पल, बनाना, बटरस्कॉच, कैरेमल, कार्डमम, चॉकलेट, क्लोव, मतलब हर टाइप के टेस्ट से रिलेटेड आपको फ्लेवर टी मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है ग्रीन टी। जनरली ग्रीन टी उतना टेस्टी नहीं लगता है, इसीलिए इसको टेस्टी बनाने का काम किया है जिंगी सिप। इसमें भी देखिए ग्रीन टी में भी इन्होंने कितने टाइप के फ्लेवर्स लाए हैं, जैसे केसर, लेमन, लेमन जिंजर, ऑरेंज, स्ट्रॉन्ग प्लेन, तुलसी, तुलसी जिंजर, तुलसी केसर, तुलसी लेमन। नेक्स्ट इसमें आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी में भी यहाँ पे 24 वेरिएंट मिलेंगे, जैसे एलमोंड, एप्पल, बनाना, बटर स्कॉच, कैरेमल, चॉकलेट, गुआवा, मसाला, मैंगो, मोचा, नेचुरल, ऑरेंज, बहुत टाइप के इसमें वेरिएंट्स के नाम दिए गए हैं। आपको ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप सीधा वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें आइस टी, जो बहुत ज़्यादा हमारे देश में पिया जाता है। इसमें भी 10 वेरिएंट में आपको टेस्ट मिल जाएगा, एप्पल, गुआवा, लेमन, लीची, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, वनीला, जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में इस टाइप का टेस्ट लोग पसंद करता है। और सबसे लास्ट हो गया इसमें लस्सी एंड मिल्क शेक, ये भी ये ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। इसमें भी आपको 9 वेरिएंट मिल जाएंगे, जैसे एप्पल, बटर स्कॉच, केसर, केसरिया पान, लीची, मैंगो, शाही लस्सी, स्ट्रॉबेरी एंड वनीला। इतने टाइप के फ्लेवर्स में जिंगी सिप अपना प्रोडक्ट आपको देती है। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसका चाय पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, यानी कि इसमें चाय पत्ती छान के फेंकने की जरूरत नहीं है। ये वैसा बनाया गया है कि वो उसी में घुल जाएगा, चाय पत्ती जैसा कुछ चीज ही नहीं बचना, यानी कि पूरा का पूरा इको फ्रेंडली है और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है, टाइम सेवर ब्रांड है ये। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बेसिकली एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें छानने की जरूरत नहीं है, छन्ना का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। 1 kg के पाउडर से आप 12 लीटर चाय बना सकते हैं। क्वालिटी बहुत ही सुपर एंड प्रीमियम है, हेल्दी भी है एंड 100% नेचुरल है। मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो चाय तो चाय पत्ती से बनाती हैं और बाद में फ्लेवर के लिए केमिकलाइज्ड स्प्रेयर से स्प्रे कर देती हैं, जो कि बहुत ही इनऑर्गेनिक है एंड हार्मफुल भी है। वहीं कुछ कंपनियां तो ये तक भी करती हैं कि चाय बनाने के बाद उसमें ना इंसेंस स्टिक उसमें डाल के और उसको सुगंधित करती हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, इनऑर्गेनिक है एंड हेल्थ के लिए हजार्डस है। इस मामले में जिंगी सिप अच्छा है क्योंकि जिंगी सिप का प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, पाउडर युक्त है एंड इसमें किसी भी टाइप का इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, केमिकलाइज्ड युक्त मटेरियल बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। और बनाने में तो इतना सिंपल है कि 10 साल का बच्चा भी आपके लिए चाय बनाकर दे देगा, और वो भी 10 सेकेंड में। किसी भी टाइप का इसमें गैस हो गया, चूल्हा हो गया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट आप इससे कोल्ड बेवरेजेस भी आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप कहीं रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको पता है मैं खुद ट्रैवल का ब्लॉगिंग बनाता हूँ, मैं खुद बाहर जाते आते रहता हूँ, कई बार ऐसा मन करता है कि कुछ अच्छी चीज़ें पिए, चाय कॉफ़ी पिए, ये मन करता है, लेकिन संयोग से होता नहीं है। उस जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक दूध लेना है, जिंगी सिप का फ्लेवर टी उसमें डालना है एंड
पी लेना है, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ब्लैक टी या कॉफी भी बनाना है तो पानी में मिक्स करके बना सकते हैं। इसमें बी टू बी में भी एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप जिंगी सिप का डायरेक्ट सेलर भी बनते हैं तब भी फायदा होगा, या आप चाहे तो इसका फर्स्ट टेस्ट करिए फिर बाद में आप चाहे तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं अपने एरिया में। जिंगी सिप हर फ्लेवर पैक के साथ आपको 8 ग्राम का एक स्पून एक चम्मच देता है, जिसके बेसिस पर आप 100 ml का बेवरेज बना सकते हैं, वो चाहे चाय हो या कॉफी हो, एनीथिंग। यानी कि क्वांटिटी सेम टू सेम पड़ेगा तो उसका जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, वो भी आपको बहुत ही अच्छा उभर के आएगा। अगर आप इसमें बॉयलर का यूज़ करना चाहते हैं, मिल्क बॉयलर का, तो आप चाहें तो कंपनी की तरफ से दिए हुए मिल्क बॉयलर का भी यूज कर सकते हैं आप, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कंपनी का दावा है। अगर कोई भी आदमी कैफ़े खोलता है या किसी भी टाइप का चाय का स्टोर खोलता है तो उसमें अगर वो आग से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को यूज़ करता है तो उसको फायर लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ही आप बिज़नेस को कर सकते हैं। इस चीज़ को एलिमिनेट करने का काम किया है ये बॉयलर, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल मैकेनिज्म है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो एस्प्रेसो मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि 5 से 7 कप को बनाने के लिए आपको वेस्टेज हो जाएगा उस मशीन में, इसीलिए कंपनी उसमें खुद का अपना बॉयलर पॉट देती है, इसीलिए एस्प्रेसो से ज़्यादा बेहतर बॉयलर होगा, यानी कि उबाल कर और सिंपल फ्लेवर उसमें डालकर और तब आप यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। महज 1500 के चार्ज में डिलीवरी के साथ आपको 10 से 15 सैंपल कंपनी आपको अपने एड्रेस तक में भेज देगी। आप इसको टेस्ट करिए, समझिए, अगर आपको जुड़ना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या आपका चाय कॉफ़ी का जो भी आपका स्टोर है या कैफ़े है आप उसमें सीधा आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, इसमें आसानी ये होगा कि आपको जल्दी ऑर्डर इसमें बुक होता है और कंपनी उसको तुरंत शिप भी कर देती है, क्योंकि ऐसा कंपनी का कहना है कि जितने भी इनके बी टू बी के क्लाइंट हैं वो सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। जिंगी सिप का प्रेजेंस हर टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट एंड ट्रेड इंडिया, हर जगह ये अवेलेबल हैं, हर जगह इनका प्रेजेंस अवेलेबल है। आपके लिए इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आप चाहे तो जिंगी सिप का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। उसके लिए बेहतर होगा कि पहले आप इनका सैंपल प्रोडक्ट परचेज कीजिए, खुद टेस्ट करिए एंड अपने एरिया में 2-4 दुकानदारों को पिला कर दिखाइए कि वो इनको पसंद आ रहा है कि नहीं, एंड तब जाकर आप आराम से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके पता कर सकते हैं कि क्या इसका चार्जेस है, क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है। इस टाइप का ब्रांड भारत में पहली बार आया है, इसीलिए एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि एक फ्लेवर चाय एंड कॉफी का ब्रांड जिसको 10 साल का बच्चा भी महज 10 सेकंड के अंदर में बना कर दे दे, तो इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही यूनिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।